हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन से अपने मोबाइल से एक हाई क्वालिटी का लोगो कैसे बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपके पास अपना यूट्यूब चैनल है या फिर आप बनाने की सोच रहे हैं या फिर आप फ्यूचर में बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको एक लोगो की जरूरत पड़ती है जो कि आपको पहचान दिलाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं भी है तो सोशल मीडिया के लिए आप लोगो बनाते हैं, उसी से आपकी पहचान होती है कि भाई ये उस बंदे का आईडी है। ठीक है ना, या उस बंदे का यूट्यूब चैनल है, आपके लोगो से ही लोग आपको पहचानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप हाई क्वालिटी का लोगो कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल अट्रैक्टिव लोगो आप कैसे बना सकते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन से। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी और आप सभी का स्वागत है शाहिद भरोस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आ जाना है। अगर आपके पास पिक्सल लैब एप्लीकेशन नहीं है तो आप इजीली प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद सिंपल इसको ओपन कर देना है, और ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ टेक्स्ट मिलेगा इस तरीके से, आपको क्या करना है यहां पर क्लिक करके डिलीट पे और उसको ओके करके डिलीट कर देना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो, आप हाई क्वालिटी का लोगो बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां पर आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको एक शेप लेना है इस तरीके से। शेप लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक गोल शेप ले लेना है। ठीक है दोस्तों, यहां से लेने के बाद सिंपल इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है, और बड़ा इस तरीके से करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों इसका कलर को हम कर देंगे चेंज, मतलब इसका ब्लैक कलर हम इसको कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों इसको ओके पर क्लिक करके ओके कर देना। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, इसको सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर आना है। एक ऑप्शन में यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल रहा है रिलेटिव पोजीशन का, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहां पर इस तरीके से क्लिक करना और इस तरीके से यहां पर क्लिक करना है, ये भी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर आने के बाद अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन शेप को इस तरीके से आपको छोटा कर लेना। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसको ओके कर लेते हैं, इस तरीके से छोटा कर लेंगे, इसको बड़ा करने के बाद यहां तक इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको बीच सेंटर में लाने के लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, फिर से आपको रिलेटिव पोजिशन पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करना, फिर इसको नीचे पर क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल एकदम बीच सेंटर में आ जाएगा। अब फिर से आपको क्या करना है, इसको ओके कर देना। ठीक है दोस्तों, ओके करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है आपको मैं बताता हूं, यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे में क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों इस पे टिक मारना है और इस पे टिक मारना है, दोनों पे टिक मारने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक करके इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर से इस पे क्लिक करना है और ये गायब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पर ये बीच वाले ऑप्शन में टिक रहेगा, आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इरेज कलर का, इसको आपको क्लिक करना है और यहां पर इसको ऑन कर देना है, मतलब इनेबल कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसको इनेबल करेंगे कि आप देखेंगे कि बीच वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये एक डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना, सिंपल आप इसको ओके पे क्लिक करके ओके पे डन कर देना। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना मैं आपको बताता हूं, फिर से आपको क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपको एक शेप लेना है। शेप लेने के बाद दोस्तों सिंपल इसको इस तरीके से करके इस तरीके से इसको बिल्कुल अंदर कर देना। ठीक है दोस्तों, अंदर करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू बैक का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और फिर से आपको दोनों पे टिक मार देना है, फिर से इस पर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करके इनको जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना है, इसको खत्म कर देना। ठीक है, ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम लिखना है, तो नाम यहाँ पर अभी कैसे लिखना है, जैसे कि दोस्तों आपका चैनल का जो भी नाम है तो आपको शुरू का एक वर्ड लेना है और एंड का एक वर्ड लेना है। ठीक है, जैसे मेरे चैनल का नाम है शाहिद भरोस, तो मैं एग्जाम्पल के लिए एस लूंगा और बी लूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एस लिखूंगा और बी लिखूंगा, और ये जो आपको टी का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है मुझे, इसके बीच में कुछ स्पेस देना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, स्पेस दे दिया, क्योंकि स्पेस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बीच में इसको सेंटर करना है। ठीक है दोस्तों, ये सेंटर अगर आपका बिगड़ जाता है सेंटर किसी का, तो आपको फिर से इस पर क्लिक करके यहाँ पर सेंटर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है आपको, मैं आपको
बताता हूँ, फिर से आपको इस पर क्लिक करके इस तरीके से सेंटर कर लेना, ठीक है दोस्तों। अपने हिसाब से आप इसको सेंटर कर सकते हैं। अब क्या करना दोस्तों, मैं इसका फंड को चेंज करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। फंड को चेंज कैसे करना है, सिंपली आपको ए पे क्लिक करना है, और ए पे क्लिक करने वाला यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ए बी फंड का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों आपका फंड वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों माय फंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है मुझे, और यहाँ पर मैं एक फंड आपको ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और जिस फंड से मैं लोगो बनाने वाला हूँ दोस्तों, वो फंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अपने पिक्सल लैब में किस तरीके से उसको एड करेंगे आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली आपको नीचे करना है, और नीचे करने के बाद दोस्तों जहां भी वो फंड होगा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों, जहां भी वो फंड होगा आपको इस तरीके से ढूंढ लेना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ढूंढ लेना है, और जहां भी वो फंड होगा आपको वहीं पर जाकर रुकना है, और वहां से आपको एक फंड यहां पर ले लेना, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों मुझे वो फंड मिल चुका है, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद दोस्तों ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, बिना मेहनत किए स्टाइलिश फंड आ जाएगा, ठीक है। फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, अगर आपको स्पेस कम लग रहा है सिंपली आपको इस तरीके से बढ़ा देना, ठीक है। फिर से ओके करना है, और ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस हमारा बढ़ चुका है, इस तरीके से आपको भी कर लेना, ठीक है ना। अब दोस्तों हम इसका कलर को चेंज करेंगे, ठीक है ना। कलर को कहाँ से हम चेंज करेंगे, इस तरीके से आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन आएगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। अगर आप दोनों वर्ड का एक ही कलर रखना चाहते हैं तो आपको एक ही पे टिक मारना, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मेरे दोनों का अलग अलग कलर हो, सिंपली आपको नीचे करना इस तरीके से, और यहाँ जो आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली क्या करना है, इसको खिसका के इस तरीके से यहाँ पर कर लेना है, और यहाँ से आप जो भी कलर को चेंज करेंगे वो अकेला कलर चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये कलर ले लेता हूँ। उसके बाद आपको बी पे आना है, मतलब आपका भी जो वर्ड होगा उस पर आना है, और इस तरीके से खिसका लेना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो भी कलर को आप रखना चाहते हैं वो कलर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं ये कलर यहाँ पर ले लेता हूँ, उसके बाद ओके पे क्लिक करना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसको 3D लुक देने वाला हूँ, जो कि दोस्तों सामने वाले को बिल्कुल अट्रैक्टिव देखने में लगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा था हाई क्वालिटी, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेडो का, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना, ठीक है दोस्तों। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओपेसिटी मिल जाएगा, इसको आपको 100% पर ही रहने देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे करना है, और ये ब्लर वाला जो ऑप्शन है इसको आपको बिल्कुल खत्म करके 0 कर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफसेट एक्स का और ऑफसेट वाई का, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको इधर से खिसकाना है, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपको 2, 3, 4 नंबर जितना भी आपको रखना है यहां पर इसको इस तरीके से रख लेते हैं, ताकि दोस्तों ये बोल्ड देखने में लगे। फिर से आपको ऑफसेट वाई पे क्लिक करना है, और यहां पर इस तरीके से कर लेना, ठीक है दोस्तों, ताकि और भी ज्यादा अट्रैक्टिव ये देखने में लगे। अगर आप इसका कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहां से क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, और जो भी कलर आप इसमें रखना चाहेंगे वो कलर यहां पर सिंपली आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं एक कलर को यहां पर रख लेता हूं, सिंपली ये कलर मैंने यहां पर रख लिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपको शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपको इस पे क्लिक करना है, फिर से आपको एक स्टार लेना है आपके पास, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं एक स्टार यहाँ से ले लेता हूँ, और यहाँ पर इस तरीके से इसके बीच सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से बीच सेंटर मैंने कर दिया है, और इसको इस तरीके से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों सिंपली मैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस तरीके से, इसको बीच सेंटर में अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको लेयर वाला पे क्लिक करना है, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, और फिर से आपको स्टार पे टिक मारना है, फिर से आपको इस गोल वाले पे क्लिक करना है, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, फिर से ओके पे क्लिक करके इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। तो जोड़ने के बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको इधर करना है, फिर से आपको उसी ऑप्शन पर आना है, इरेज कलर पर सिंपली आपको इस तरह से क्लिक करना है, और इसको इनेबल करना है। इनेबल जैसे आप करेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बीच का हिस्सा गायब हो गए, ये स्टार बन चुका है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब आपको अपने चैनल का पूरा फुल नेम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करना है, और अपने चैनल का फुल नेम आपको यहाँ पर लिख देना है, जिस तरीके से मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आपको भी लिख लेना है, और यहाँ पर इसके फॉन्ट को बड़ा कर लेना, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको इस तरीके से बड़ा कर लेना है, फिर से आपको क्या करना है, ए पे क्लिक करना है, और फॉन्ट पे क्लिक करना है, और इसके फॉन्ट को चेंज कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं भी एक फॉन्ट यहाँ पर रख लेता हूँ, कोई सा भी, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है वही फॉन्ट आपको यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक फॉन्ट यहाँ पर ले लिया है। अब दोस्तों मुझे इसको स्टाइलिश और बनाना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे आना है। आगे आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिर से,
शेडो का, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर से आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको ब्लर पे खत्म कर देना है और इसके अंदर जो भी कलर आप रखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। फिर से आपको नीचे आना है, फिर से आपको ऑफसेट वाई और ऑफसेट एक्स पे क्लिक करके यहाँ पर इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो मैं भी कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि ये सामने वाले को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने में लगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको कलर पे आना है, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, मतलब सामने वाले को चुभ जाए वो कलर, तो वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ। और दोस्तों लोगों से संबंधित मैं आपको एक बात और बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। फिर से आपको इस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कलर को यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। फिर से आपको ओके कर लेना है, और ओके करने के बाद दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि ये सब काफी मिले हुए हैं आपस में, तो आपको इसको थोड़ा सा हटा लेना है। किस तरीके से, आपको यहाँ पर आना है ए वाले सेक्शन पर, और यहाँ पर मिलेगा आपको स्पेसिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, और जितना आप इसको रखना चाहते हैं, जितना इसको बढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बढ़ रहा है, तो फिर कुछ इस तरीके से इसको बीच सेंटर में कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से आपको अपनी गैलरी में आ जाना है। फिर से आपको अपनी गैलरी में आने के बाद दोस्तों आपको कुछ लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लेना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक PNG ले लेना है सब्सक्राइब वाला, ठीक है ना। तो मैं भी एक PNG यहाँ पर डाउनलोड कर रखा हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इसे ओके कर लेता हूँ, और ओके करने के बाद दोस्तों इसको आपको छोटा कर लेना है इस तरीके से। छोटा करने के बाद इसके बीच सेंटर में लाके इसको रख देना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिए ये अट्रैक्टिव बनना शुरू हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इसके बीच में जो खाली जगह है इसको भरना है। इसको कैसे भरना है, मान लो आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो, अपना फोटो आप लगा सकते हो, अगर आप अपना फोटो लगाना चाहते हो तो अपना फोटो भी लगा सकते हो। तो चलिए मैं भी अपना फोटो यहाँ पर लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास अपना फोटो है तो एक अच्छा सा फोटो खींचो, उसको PNG में कन्वर्ट करो और यहाँ पर लाके ऐड कर दो, ठीक है दोस्तों। तो कुछ तरीके से मैं भी अपना फोटो को यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से लगा लेना है, इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस फोटो में स्ट्रोक देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। किस तरीके से, यहाँ पर आपको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इसको इस तरीके से क्लिक करना है, और स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको इसको इनेबल करना है, और इनेबल करने के बाद दोस्तों जो भी कलर इसमें से लेना चाहते हो उस पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। और आप उसको जितना बढ़ाना चाहते हो, जितना घटाना चाहते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं दो ही पर रखा हूँ, उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। बाद दोस्तों अगर आप इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो गूगल से आपको दो PNG डाउनलोड कर लेना, एक इंस्टाग्राम का एक फेसबुक का, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी यूज करते हैं और सभी चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपल आपको गैलरी में आ जाना है, और गैलरी में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक करने के बाद अपने इंस्टाग्राम के लोगों को इसके सामने इस तरीके से साइड में आपको लाके रख देना, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आपको साइड में लाके इस तरीके से रख देना है, यहां पर इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको रखा हुआ है। फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, फिर से आपको अपने फेसबुक का एक लोगो ले लेना, ठीक है दोस्तों। तो जहां भी आपने डाउनलोड किया होगा फेसबुक का लोगो वहां पर आ जाएगा, और वहां पर आने के बाद दोस्तों सिंपल आपको यहां पर लेके आ जाना है, और यहां पर आपको इस तरीके से छोटा कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर छोटा करने के बाद सिंपली आपको इसको साइड में लाके रख देना, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हैं कि अट्रैक्टिव बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों हमारा लोगो अट्रैक्टिव बनना स्टार्ट हो चुका है अब, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कुछ कमी इसमें लग रही है, ये जो कुछ खाली खाली लग रहा है इसको हम भरेंगे। इसको कैसे भरेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, फिर से आपको क्या करना है, एक शेप यहाँ से ले लेना है, ठीक है दोस्तों। गोल वाला शेप आपको यहाँ पर ले लेना है, और इस तरीके से इसके साइज को इस तरीके से बड़ा कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने इसको बड़ा कर लिया है, अब दोस्तों यहाँ पर खेल होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ से आपका लोगो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव खतरनाक बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, आपको नीचे करना है, ठीक है दोस्तों। नीचे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी कलर यहाँ से ले लेना, ठीक है ना, इस तरीके से ले लेना है, और यहाँ पर इसके स्ट्रोक को इस तरीके से बड़ा कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो जैसे इसको बड़ा करेंगे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों ये जो ब्लर का ऑप्शन है इसको आपको छेड़ना नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर जीरो कर देना, ठीक है दोस्तों। जीरो करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको ऊपर आना है सबसे ऊपर में, और सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपेसिटी का। सिंपली आपको करना है इसको बिल्कुल घटा देना, जीरो कर देना, ठीक है ना। अब जैसे आप इसको जीरो करेंगे तो आपके साइड में जो लाइनिंग दिख रहा है आपको ये काफी अच्छा लगेगा, लेकिन अब ये सेट नहीं हुआ, इसको हम सेट करेंगे। तो सेट कहाँ से करना, सिंपली आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्ट्रोक विद है इसको आप घटा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको जितना आप पतला करना चाहेंगे, जितना आप इसको मोटा करना चाहेंगे, वो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर ओपेसिटी है इसको बिल्कुल फुल कर देना, ठीक है ना। फुल करने के बाद क्या होगा, आपका जो ये कलर है बिल्कुल उभर के सामने आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, अगर आप इसको छेड़ते हैं तो ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिंपली इसको क्लिक करना है, आप जो भी कलर आप इसमें चेंज करेंगे वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली जो भी कलर आप इसमें रखना चाहते हैं
जो भी कलर आप इसमें रखना चाहते हैं यहाँ पर इसको रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने में टाइम तो लगता ही है। जब तक आप सीखोगे नहीं, टाइम नहीं दोगे, आप अच्छा कुछ नहीं बना सकते, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिंपली मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और ओके करने के बाद दोस्तों सिंपली उसको बीच सेंटर में कैसे करना है, सिंपली फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है रिलेटिव पोजिशन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस बीच सेंटर इसको कर लेना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ओके पर क्लिक करके इसको ओके कर देना, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया, अब मुझे इसमें क्या करना है, कुछ और भी एड करना है ताकि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने में लगे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे इसको 3D लुक देना है, तो 3D लुक देने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली आगे आना है। और आगे आने के बाद अब की बार आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनर शेड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों ब्लर जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी कलर आप इसमें रखना चाहते हैं, इसके साथ में जो भी आप कलर दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, वही वाले ऑफसेट एक्स का और ऑफसेट वाई का। सिंपली दोस्तों जब इसको घुमाओगे आप तो यहाँ पर दो कलर बन जाएंगे और अच्छी तरीके से बन जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इस तरह से रख सकते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है और जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। चाहे ब्लैक ले लो या वाइट ले लो या फिर ये मतलब ये कलर ले लो, मतलब जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि इसको सेव करने की, तो सेव आपको PNG में करना है ताकि ये पीछे का बैकग्राउंड दिखे ना, अच्छा नहीं लग रहा है ना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आना है ट्रांसपेरेंट पर, इस पर ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और सेव एस इमेज पर क्लिक करना है, और फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफॉल्ट रहेगा, आपको अल्ट्रा पे क्लिक करके यहाँ पर PNG रहेगा PNG, और यहाँ पर सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इसको गैलरी में सेव कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये सेव हो जाएगा उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब ये सेव हो चुका है, अब मैं इसको कुछ और भी करता हूँ। अगर एग्जाम्पल के लिए मुझे इसके पीछे में कोई और भी कलर दिखाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके और भी अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कलर को यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसको गोल करेंगे, अभी हम इसको और भी अच्छा बनाएंगे, अभी देखते रहो, ठीक है ना। फिर से आपको इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको ब्लैक पसंद है ब्लैक ले लो, ब्लैक तो वैसे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ब्लैक ही है ज़्यादा। आप व्हाइट भी एक ले लो, ठीक है ना, एक व्हाइट ले लो, और यहाँ पर क्लिक करके सेव पे क्लिक करके डिफॉल्ट पे क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक कर दो, यहाँ पर PNG कर दो और सेव टू गैलरी पे क्लिक करके गैलरी में सेव कर लो, ठीक है दोस्तों। मतलब आपको इसी तरीके से 2-3 अपना लोगो बना लेना, ठीक है ना, और इसी तरीके से अपना कलर को चेंज कर करके 2-3 लोगो आपको बना लेना, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं कट कर देता हूँ इस तरीके से, इसको पूरी तरीके से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद दोस्तों अब आती है बारी अच्छे तरीके से करने की, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर देना है, और यहाँ पर आपके पास दोस्तों इसके साइज को एक बार ले लेना, ठीक है ना। साइज को क्या लोगे आप, जो लोगों का साइज होता है ना दोस्तों वो 500x500, मतलब हाइट भी 500 और विड्थ भी 500। तो यहाँ पर मैं आपको 500x500 दोनों तरफ कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 500 यहाँ कर लिया और 500 यहाँ कर लिया, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर करने की, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से पहले आपको ट्रांसपेरेंट कर लेना, ठीक है ना। या फिर ट्रांसपेरेंट नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको पहला सलेक्शन पर क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, और जो भी लोगो आपने बनाया है अभी जिसका कलर आपने चेंज किया है उस पर इस तरीके से क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। क्लिक करने के बाद अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा गोल वाला का, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको भी सेंटर कर लेना, ठीक है ना, ताकि जो साइड साइड में मेरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये बिल्कुल खत्म हो जाए, और बिल्कुल मैं अपने लोगों के हिसाब से इसको बिल्कुल बीच में सेंटर कर लेना, ठीक है ना। जितना भी आपका लोगो होगा दोस्तों आपको उसी हिसाब से इसका इस तरीके से अलाइन इसमें से कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा अंदर में ब्लैक था उसके अंदर व्हाइट भी आ चुका है और सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, और हमारा लोगो जो है फ्री में कितना अट्रैक्टिव बन के रेडी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, इस तरीके से सेव करना है, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करना है, सेव करना है, फिर से आपको कस्टम पे क्लिक करके अल्ट्रा कर देना है, और फिर से आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और जैसे आपका सेव हो जाएगा फिर से आपको चलते हैं गैलरी में, और गैलरी में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लोगो यहाँ पर आपको दिखने वाला है। आप कितना भी जूम करोगे ये कहीं भी फटने वाला नहीं है, ठीक है ना। दूसरा लोगो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से बनाया है। तो कुछ इस तरीके से आप भी इसमें बना सकते हैं, देखो जितना भी आप इसको जूम कर लो, जहाँ तक जूम करना है कर लो, ये फटने वाला नहीं है। कितना अट्रैक्टिव लोगो यहाँ पर दिख रहा है, कितना अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप खुद भी अपने पिक्सल लैब से अपने फ़ोन को यूज़ करके इतना अट्रैक्टिव लोगो बना सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और लोग भी कहेंगे भाई क्या बात है, कितना अच्छा लोगो बनाया। तो जब तक आप किसी चीज़
को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप उसको कैसे कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख क्या रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आपके लाता रहा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चले दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए एंड दोस्तों अपना प्यार बना रखिए, जहां भी रहिए खुश रहिए, मजे में रहिए।